सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग जोजो मोटो ब्लॉग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं लेके आने वाला हूँ MT 15 का एंड ड्यूक 200 का ड्रैग रेस। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है और ये अपने खड़ी है सामने KTM ड्यूक 200 BS6 और उधर खड़ी है MT 15 BS4 6 है, अच्छा BS6 तो मेरे को पता भी नहीं, मेरे को लगा कि अभी जो आएगी वो 6 आएगी। आज हम इसमें करने वाले हैं ड्रैग रेस इस रोड पे। तो साइड वाली रोड तो चल रही है, वहाँ पे जो है निकल रहे हैं ट्रक और गाड़ियाँ निकल रही हैं, लेकिन इस रोड पे कोई नहीं निकल रहा है, ये रोड है पूरी खाली। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं दोनों बाइकों का ड्रैग रेस। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं वीडियो इन दोनों बाइक का। ऐसा लॉन्ग नहीं रहेगा, शॉर्ट रहेगा ड्रैग रेस, मतलब शॉर्ट ही होता है, लॉन्ग रेस नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है कि हम लोग लॉन्ग रेस का ट्राई कर पाए, तो हम लोग ड्रैग रेस ही करेंगे। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। मैंने तो देखा है कि MT तो छू हो जाती है, लेकिन आज खुद चलाऊंगा और भाई चलाएगा, तो पता चलेगा कि मतलब किस में है कितना पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाइक पे, मैं हूँ MT पे और आकाश है ड्यूक 200 पे। वेट की बात करें तो 2-4 किलो का फर्क है, मेरा 1-2 किलो ज़्यादा होगा, उसका 50 है, मेरा 55-56 है, अब 52 है भैया, और 55-55 है, तो अच्छी बात है, दोनों का सेम ही वेट है, एक भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो वेट रेशियो की बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न पे, हॉर्न बजाओ, गो। बहुत फास्ट भागी है मैं, ऐसा भागी भाई भाई था और दोस्त है पूरा, पट गई है, बहुत तेज भागी है मैं। मैंने कहा ये कहाँ हो रहा है, पहले अगल बगल चलिए, फिर एकदम से ऐसे निकल गए, इसके गियर नहीं ढूंढा मिल रहा था मुझको कि आगे क्यों नहीं चल रही है। पैसा बर्बाद पहन चोर। तो एक दफे हम लोग फिर से वहां जाएंगे, फिर हम लोग स्विच करेंगे, वहां पे स्विच करेंगे, ठीक है। 1 2 3 ही तेजी से ये निकल गए हैं बंदे। भाई साहब बगल बगल चली थी काफी देर तक, काफी देर तक बगल बगल चली थी ना, मैंने पूरे मैंने गियर नहीं लिया इसके, मुझे लगा था अगर पूरे गियर लूंगा तो पीछे हो जाऊंगा, इसलिए मैंने तुरंत गियर चेंज के भर 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 क्या बोला तूने, और मैंने 5 गियर तुरंत डाले, लॉन्च का फर्क पड़ता है हल्का। चलो स्विच करते हैं, अब उसमें जाओ। लेकिन जो हम लोग वीडियो देखते हैं, कि MT निकल गई, उसका टॉप एंड पे निकलती है, और उसका एक ही रीजन ना, लॉन्च अच्छा नहीं है, अगर कोई चलाने वाला का ढंग का नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये फिर से निकलने वाले हैं, खत्म खा लिया हमने इसको, बहुत पीछे है, 1-6 पर रुक गया था मैं, इसलिए आ गया बगल में। हेलमेट बदल लेते हैं ताकि वो रिकॉर्डिंग उसमें हो, क्योंकि मैं तो आगे ऑलरेडी हो ही जाता हूँ ना।
बहुत ही तेजी से ये निकल गए हैं बंदे, एक और निकल गए हैं। इस बार गैप बहुत ज्यादा था, मतलब इसमें डग नहीं कर पा रहा मैं। इसमें मैं मतलब झुक, तूने हेलमेट मोड़ दिया ना वो गोप्रो, इसमें मैं झुक नहीं पाता, क्योंकि ये आ रहा है ना। हाँ। एक ही बंदा आ रुका ही ना, मेरे को झुकना पसंद है। क्या बोला तूने? अरे मैं झुक नहीं, गोप्रो कितना मोड़ दिया, बीच में ही मोड़ गया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है ड्यूक पे और एमटी पे ड्रैग रेस, तो टू बी ऑनेस्ट बताऊं उसमें बहुत ज्यादा पावर है अगर बात की जाए, लेकिन ये बाइक भी ऐसा नहीं कि बहुत डिस्टेंस से पीछे हो गई हो। जो मेरे मन में डाउट था कि एमटी ड्यूक से आगे निकल जाती है वो आज क्लियर हो गया। नहीं अगर बात की जाए तो ये आसपास थी, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे हो गई हो, आसपास थी। लेकिन अगर बात की जाए उसकी तो भाई साहब 25 BHP है, 19 Nm का टॉर्क है, तो इस हिसाब से आप देख ही सकते हैं कि पावर के हिसाब से वो तो जानी ही थी। और जो मैंने वीडियो में देखा काफ़ी सारा, तो इसमें एक ही रीज़न होता है कि इसको अगर चलाने वाला ढंग का बंदा नहीं है, उससे लॉन्च नहीं होती ढंग से, गियर सेफ्टी में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए वो निकल जाती है। अगर दोनों एक्सपर्ट राइडर हैं, अच्छे खासे चलाने वाले हैं, तो ये सिर्फ टॉप एंड पे ही आगे निकलेगी। ड्रैग में इसको बीट करने वाला 200 cc में मुझे लगता है अभी इसको बीट कर पाए, बहुत पावरफुल बाइक है। और मेरा भी जो डाउट था कि एमटी कैसे निकल जाती है, तो एमटी नहीं निकलती है, डिपेंड करता है राइडर कैसा है, चलाने वाला कैसा है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि नेक्स्ट किस पे ड्रैग रेस चाहिए, कौन कौन सी बाइक पे ड्रैग रेस देखना है आप लोगों को। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।